नाम है किरण यादव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नेक्स्ट नाइट न्यूज। तो आज हम बात करेंगे झारखंड की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस जो मध्य प्रदेश में चला, महाराष्ट्र में चला और गोवा में भी चला, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम कोशिशें की गई कि दिल्ली में भी ऑपरेशन लोटस चलाया जाए और आम आदमी पार्टी को गिराकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई जाए। लेकिन वहां पर आम आदमी पार्टी ने रुककर मुकाबला किया और उनकी हर चुनौतियों का सामना किया। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं जोरों पर थी कि अब झारखंड की सरकार भी गिर सकती है। तो झारखंड में भी अब देखिए बवाल मचा हुआ है। ऐसे में इसी मुद्दे पर मेरे साथ चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए मेरे साथी अबरार। अबरार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अबरार। झारखंड की सियासत में बवाल मचा हुआ है और देखिए लगातार ये कहा जा रहा है कि सीएम हेमंत सोरेन का जो सीएम पद है ये जा सकता है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, सीएम हेमंत सोरेन को लेकर के जो चुनाव आयोग में मामला गया है उसके बाद से चुनाव आयोग के निर्देश के बाद राज्यपाल को एक फैसला लेना है हेमंत सोरेन की सदस्यता को लेकर के। और जब ही राज्यपाल के द्वारा इस पर फैसला सुनाया जाएगा उसके बाद झारखंड की सियासत में एक नया भूचाल जो है वो आना लाजमी लग रहा है, क्योंकि हेमंत सोरेन की अगर सदस्यता रद्द कर दी जाती है विधानसभा की तो फिर वो मुख्यमंत्री के पद पर बने नहीं रह पाएंगे। ऐसे में जेएमएम पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत ये होगी कि किस नए चेहरे को मुख्यमंत्री का चेहरा वो बनाएंगे और किसको ये जिम्मेदारी जो है वो सौंपी जाएगी। लगातार जो चर्चाएं चल रही है उससे यही बात निकल करके आई है कि या तो हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के जिम्मे में झारखंड की जो कमान है वो जा सकती है या फिर उनकी भाभी सीता सोरेन के हवाले झारखंड की कमान की जा सकती है। ऐसे में परिवार में भी एक बड़ी टूट की वजह बन सकती है सीएम पद, क्योंकि कल्पना सोरेन राजनीति में सक्रिय नहीं है और सीता सोरेन राजनीति में सक्रिय है, जेएमएम से वो विधायक हैं। तो ऐसे में सीता सोरेन की जो दावेदारी है वो ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। तो इन सारे मामलों को देख करके कुल मिलाकर के फैसला जो लेने की बारी है उस समय में हो सकता है कि कल्पना सोरेन के नाम पर अगर सहमति बन जाती है, अगर हेमंत सोरेन उनके पिता जेएमएम पार्टी के जो सुप्रीमो कहे जाते हैं शिव सोरेन, अगर ये फैसला ले लेते हैं कि कल्पना सोरेन को झारखंड की कमान जो वो सौंपी जाए, तो ऐसे में पार्टी के जो दिग्गज जो कद्दावर नेता है जो अनुभवी नेता है उनकी जो सहमति है वो भी लेनी जरूरी है। अगर उनकी सहमति नहीं मिल पाती तो फिर झारखंड में गुटबाजी होती नजर आएगी और खेमेबंदी हो जाएगी पार्टी में और इसका सीधा फायदा बीजेपी उठाती नजर आएगी, क्योंकि लगातार जेएमएम पार्टी ये आरोप लगा रही है, उनके कई विधायकों ने यह आरोप लगाया है बीजेपी पर और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व पर कि दरअसल राज्यपाल इस मामले में फैसला इसलिए नहीं ले रहे हैं जल्दी क्योंकि बीजेपी को और ज्यादा समय मिले जेएमएम के विधायकों को तोड़ने का। ये आरोप लगाए जा रहे हैं जेएमएम पार्टी के। इस बीच राज्यपाल दिल्ली गए हैं, तो राज्यपाल किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, वो अपना फैसला क्यों नहीं सुना रहे हैं? देखिए, राज्यपाल को इस मामले में फैसला तो सुनाना ही है, लेकिन इन तमाम मामलों की बारीकी को देखने के बाद ही वो इस निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे, क्योंकि मामला जिस तरीके से जिस मामले से जुड़ा हुआ है उसकी बारीकी को समझने के बाद, क्योंकि ये किसी मुख्यमंत्री के सदस्य को लेकर के जो मामला है उनकी सदस्यता रद्द होगी तो ये मामला काफी गंभीर है। अगर इस मामले में जल्दबाजी की जाएगी तो हो सकता है कि राज्यपाल पर भी कई तरीके के आरोप जो वो मढ़ दिए जाएंगे बाद में जेएमएम की तरफ से। इसलिए भले ही चुनाव आयोग ने इस मामले में राज्यपाल को ये एक तरीके से अख्तियार दे दिया है कि वो फैसला ले सकते हैं मामले की छानबीन करके, लेकिन अब तक जो है वो इस मामले में फैसला नहीं आया है और कहा जा रहा है कि इस बीच जेएमएम के जो तमाम विधायक हैं उनकी टूट की भी खबर आ रही है और ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी तमाम विधायकों को तोड़ने के लिए प्रयास कर रही है और अगर ऐसा होता है तो फिर से एक बार झारखंड में मिशन लोटस जो है वो सफल होता नजर आएगा, जिस तरीके से हमने मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और दिगर कई राज्यों में देखा है ठीक उसी तरीके की स्थिति झारखंड में भी देखने को मिल सकती है। ऐसे में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर लेकर जाया जा रहा है विधायकों को, तो ये यहाँ पर सीएम हेमंत सोरेन, देखिए वैसे तो उनकी सीएम पद को लेकर इतना बड़ा बवाल मचा हुआ है कि कभी भी उनकी सदस्यता जा सकती है और वैसे तो वो बस में जाते हैं तो वो विक्ट्री का निशान दिखाते हैं, यानी कि दिल के अंदर तो दुख है लेकिन बाहर से वो खुशी दिखा रहे हैं, और ऐसे में सभी विधायकों को रायपुर लेकर जाया जा रहा है, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे?
देखिए रायपुर जो तमाम विधायकों को शिफ्ट किया गया है रांची से एक प्राइवेट जेट में, उनको रात में जो है रायपुर, रांची से रायपुर लिया गया और वहां पर छत्तीसगढ़ के जो सीएम है भूपेश बघेल वो भी वहां पहुंचे थे, उनसे मुलाकात की थी। तो ये मुलाकात और इस तरीके से कांग्रेस पार्टी सक्रिय जिस तरीके से जेएमएम की सरकार को बचाने को लेकर के, तो ऐसे में ये भी संकेत मिल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अपने लिए कोई जगह तो नहीं तलाश रही, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी लगभग 18 विधायकों के साथ एक बड़े दल के तौर पर जेएमएम के साथ शामिल है सरकार में। तो ऐसे में ये कांग्रेस पार्टी की एक तरीके से दबाव ये होगी कि उनके पार्टी से, उनके विधायकों में से किसी एक विधायक को मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो बनाया जाए। अगर फैसला आता है राज्यपाल का हेमंत सोरेन के इस्तीफे को लेकर के, उनकी सदस्यता को लेकर के, तब झारखंड के विधायक छत्तीसगढ़ पहुंचे और उसके बाद जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री थे, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री थे, उनकी तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ कोई आशियाना नहीं है, यहां पर जनता के रुपए से जो जितने भी विधायक, अगर हम बात करें हरियाणा के विधायक भी यहां पर लाए गए, असम के भी विधायक यहां पर लाए गए और अब झारखंड के भी विधायक छत्तीसगढ़ लाए गए हैं। तो ऐसे में जो पूर्व सीएम है उनकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि जो जनता का रुपया है वो इनके मुर्गे और इनको दारू पिलाने के लिए सारा रुपया पानी की तरह बहाया जा रहा है। देखिए ये सवाल बीजेपी को तो पूछना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से तमाम राज्यों में उलटफेर की राजनीति करती है तो ये सवाल उन पर भी बनता है। आप किस तरीके से महाराष्ट्र के तमाम विधायकों को सूरत ले जाते हैं, सूरत से फिर गुवाहाटी ले जाते हैं और गुवाहाटी के एक फाइव स्टार होटल को आप पूरी तरीके से बुक कर लेते हैं, वहां पर किसी को आने जाने की अनुमति तक नहीं होती है, मात्र 40 लोगों के लिए आपने एक 5 मंजिला होटल को बुक कर लिया था। तो ये सारे सवाल उनके ऊपर भी बनते नजर आते हैं। अगर किसी भी सरकार पर इस तरीके का खतरा मंडराता है तो जाहिर सी बात है कि अपनी सरकार को बचाने के लिए वो इस तरीके की तरकीबें जो है वो अपनाता है। लेकिन झारखंड में एक तरफ तो अंकिता को इंसाफ नहीं मिल रहा है, वहां की जनता त्राही त्राही वहां पर मची हुई है, और दूसरी तरफ जो विधायक है जो खुद मुख्यमंत्री है वो वहां पर अपने खूब मौज मस्ती कर रहे हैं। तो देखिए वहां पर जिस तरीके से दुमका वाला मामला है, वहां पर जो कांड हुआ उसको लेकर के लगातार सवाल बनते नजर आ रहे हैं हेमंत सोरेन के लिए, क्योंकि वहां पर इस तरीके के मामले में और ज्यादा बढ़ोतरी आई है और लगातार उनकी सरकार में आने के बाद इस तरीके के मामले बढ़े हैं। तो ऐसे में जनता में आक्रोश है और हो सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका नुकसान उनको झेलना पड़ सकता है। खुद मुख्यमंत्री और उनके भाई की तरफ से बयान दिया गया है कि ऐसे में सरकार कुछ नहीं कर सकती, ये उनका पर्सनल मैटर था, ये उनका खुद प्रेम संघ का मामला था, तो ऐसे में सरकार कुछ नहीं कर सकती। तो क्या सरकार की तरफ से दिया गया ये बयान आने वाले चुनाव में क्या उन्हें नुकसान हो सकता है, क्या फायदा हो सकता है? देखिए प्रशासनिक व्यवस्था जो होती है वो सरकार की जिम्मेदारी होती है, चाहे वो पारिवारिक मामला हो या राजनीतिक मामला हो या कोई सा भी मामला हो, अगर वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त रखना है तो उसके लिए सीएम हेमंत सोरेन को जिम्मेदारी लेनी होगी। और इस तरीके की घटनाएं शर्मनाक है, सीएम हेमंत सोरेन को इस बात को लेकर के जनता के बीच एक तरीके से सकारात्मक जो पैगाम है वो देना चाहिए और जो दोषी है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अबरार तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो अब झारखंड में देखना ये होगा कि क्या हेमंत सोरेन की सदस्यता चली जाएगी, और अगर चली जाती है तो कौन मुख्यमंत्री पद के लिए कौन सा बड़ा चेहरा सामने आएगा, और भारतीय जनता पार्टी इस बीच अपना ऑपरेशन लोटस वहां पर कामयाब उनका रहेगा कि नहीं, क्योंकि ऐसे में देखिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम राज्यों में अपना ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है, कहीं पर उन्हें सफलता मिल रही है तो कहीं पर सफलता नहीं मिल रही है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस झारखंड में कामयाब होता है या नहीं, ये आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा। आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़।